जेल के पानी में आज नगर के युवाओं ने सांकेतिक विरोध कराते हुए पुणे हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाला, जो स्थानीय सरस्वती स्कूल मैदान से प्रारंभ होकर पूरे नगर का भ्रमण करने के पश्चात पाली के प्रकाश चौक में संपन्न हुआ, जहां सभी ने मृत आत्मा अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के चित्रपट पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में नौकरी कर रहे पाली के अनीस अवधिया पिता ओम प्रकाश अवधिया तथा उनके सहयोगी अश्विनी कोस्टा निवासी जोधपुर की बीते 18-19 मई की दरमियानी रात महाराष्ट्र के पुणे में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो रात करीब 2:30 बजे किसी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस बाइक से अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुणे शहर के एक रईस जादे ने तेज रफ्तार कार से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि अनीस और अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद देश प्रदेश में व्यापक विरोध कर मामले के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुणे के बिल्डर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा था, जिसने पोर्शे कंपनी की कार से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बाइक को टक्कर मारी, उन्हें असमय मौत के घाट उतार दिया। बताते हैं कि जिस समय यह घटना हुई उस समय कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं 17 साल के सरहिस जादी के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही कार पर रजिस्ट्रेशन नंबर ही अंकित था। घटना के बाद आरोपी किशोर की अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव आने का दावा किया गया था, परंतु सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने इस रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आरोपी अपने दोस्तों के साथ किसी पब पार्टी में शराब पीता हुआ दिखाई दिया था। इससे साफ है कि उसने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल इस मामले में आगे क्या प्रभावी कार्रवाई होती है, इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं। इतनी हृदय विदारक घटना जो हुई है, इसमें मेरा भतीजा अनीश अवधिया और हमारी जबलपुर की बेटी अश्विनी कोस्टा, इन दोनों की मृत्यु हो गई। एक बड़े अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कह सकते हैं, जो पूरी तरीके से नशे में 240 की रफ्तार पे गाड़ी चला रहा था। ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक। और बस आप लोगों के माध्यम से इतना ही निवेदन है कि बस उन्हें न्याय मिल जाए, ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। बाकी हमने जो खोया है वो तो शायद कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। हमारा जो नुकसान हुआ है और इससे बाहर आने में परिवार को कितना समय लगता है, वो तो ऊपर वाला बस शक्ति दे हमें। बस पूरे हमारे नगर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुखद क्षण है। हमारे क्षेत्र का युवा, आईटी सेक्टर का इंजीनियर और हमारे जबलपुर संस्कारधानी की बच्ची अश्विनी कोस्टा, जो पुणे में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी, एक 17 वर्ष 9 महीने का बालक नहीं कहा जा सकता, जो कि नशे में लिप्त था और तेज रफ्तार लगभग 200 से 250 की स्पीड में कार चलाकर दो घर के चिरागों को उसने बुझा दिया। उसी तारतम्य में आज हम नगर के युवा, नगर के बुद्धिजीवी सभी मिलकर नगर में कैंडल मार्च कर रहे हैं और शोक प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि न्याय में जो इतनी लचीलापन दिखाया जा रहा है उसे जल्दी न्याय दिलाया जाए। दो घर के चिराग बुझ चुके दिन हुए इस घटना से 19 तारीख की रात, जिसमें एक नशे में लड़के ने हमारे दोस्त, हमारे भाई पाली की शान अनीश अवधिया और जबलपुर की हमारी बहन अश्विनी कोस्टा को मौत के घाट उतार दिया, और जो कि अभी नए नए अपने जॉब पे लगे हुए थे और अपने परिवार का पिलर थे। और इससे हम उच्च न्यायालय से यही मांग करते हैं कि उनको जितनी कठोर सज़ा मिले उस लड़के को वो दें, और न्यायालय से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।